हे गाइस, तो कैसे लग रहा है आपको ये वाला मेकअप लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये किसका मेकअप लुक है वो भी बताना। वैसे तो आपको टाइटल देखकर अभी तक पता चल ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। Everyone and welcome back to my channel Star with Pooja. Guys, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing really good and great. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाली हूँ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो जिस इंसान का मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ वो है शाई स्टाइल्स, यानी कि साइमा दी। सो गाइज, उनका चैनल अभी रीच होने वाला है एक बिगेस्ट माइलस्टोन में, जो कि है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप लोग ने उनका चैनल अभी तक शायद बाई मिस्टेक नहीं देखा हो, तो लिंक मैं आपको उनके चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से तो मैं मैच करके वो मेकअप नहीं, लाइक मे बी अब कंपेयर करोगे तो शायद आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, आई डोंट नो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एग्जैक्टली वैसा ही मेकअप अचीव कर सकूं। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप मैं यूज कर रही हूँ आफ्टर टोनर, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वाइटामिन सी का सीरम, एंड ये है फ्रॉम ईऑन। सो ये है वाइटामिन सी का सीरम, मैं उसको अच्छे से अपनी स्किन में अप्लाई कर रही हूँ। एंड फॉर द मॉइस्चराइजर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पपाया जेल। सो मैं जनरली एलोवेरा जेल या पपाया जेल ही यूज करती हूँ फॉर माई मॉइस्चराइजर, मैं या फिर कभी कभी लाइट क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ, बट इस वीडियो में पपाया जेल ही यूज़ कर रही हूँ। देन बढ़ते हैं प्राइमर की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर, जो आप लोग ने मेरे हर वीडियो में देखा ही होगा। दिस प्राइमर इज जस्ट बॉम। सो अच्छे से मैंने प्राइमर को अप्लाई कर लिया। प्राइमर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि आपका मेकअप इधर उधर ना हो और एक जगह पे टिका रहे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का फाउंडेशन। इसमें ड्रॉपर नहीं आया था, जो कि मैंने अपने आप कुछ बॉटल्स में ड्रॉपर आया था तो मैंने उसको लगा दिया है। एंड उसके बाद मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विथ अ डैब ब्यूटी ब्लेंडर। Applying the foundation, I'm here using the NYB concealer cum contouring stick in the shade number 10. इसको मैं अपने under eyes area में, मेरे कुछ pimple spots है उसमें और कहीं पर भी अगर pigmentation है या black है वहाँ वहाँ पे apply करके अच्छे से face को एक detailed look दे रही हूँ। And इसको भी मैं अपने beauty blender से ही blend कर दूँगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस सारे स्टेप्स के बाद अपने मेकअप को सेट करना। एंड सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेकवर्की का कॉम्पैक्ट, एंड मैं उसी कॉम्पैक्ट पैड से अच्छे से अपने फेस में इसको डैबिंग मोशन में सेट कर दूंगी ताकि मेरा मेकअप इधर उधर ना हिले। शाई स्टाइल्स ने ये वाला जो मेकअप लुक किया था वो था दुर्गा पूजा मेकअप लुक या नवरात्रि मेकअप लुक, जो कि मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। देन यहाँ पे आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। आई मेकअप में मैं फर्स्ट करूँगी जो है अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन, जिसके लिए मैंने ये वाला कलर चूज किया है। अच्छे से मैं अपनी क्रीज लाइन को एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। उसके बाद उन्होंने एक पीची कलर का ग्लिटर लिया था कलर पॉप का, एंड यहाँ पे मेरे पास इसी पैलेट में ये पीच कलर का ग्लिटर था, जिसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ओवरऑल आईलिड में प्लेस कर रही हूँ। एंड अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा बहुत ब्लेंड करके जो कलर उन्होंने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट वैसा ही कलर लेकर आ रही हूँ।
गाइस। सो अब बात कर लेते हैं आईलाइनर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डैजलर का आईलाइनर एंड इसको मैं अच्छे से, ज्यादा विंग नहीं, ज्यादा थिक नहीं, बस अपने आईलिड जहाँ से स्टार्ट होता है बस वहां से थोड़ा सा थिन आईलाइनर ही क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो आता है वो है मस्कारा का। तो फॉर द मस्कारा हियर आई एम यूजिंग द कलर एसेंस मस्कारा। दिस मस्कारा इज आल्सो अ बॉल। ये काफ़ी अच्छे से आपके लैशेस को बड़ा दिखाता है, काफ़ी अच्छे से कर्ल भी कर देता है एंड अ काइंड ऑफ वाटर प्रूफ भी है। सो मस्कारा के बाद आता है स्टेप काजल का। उन्होंने वहाँ पे स्टेक वर्की का ग्रीन कलर का काजल अप्लाई किया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो ग्रीन कलर का काजल नहीं है तो मैं लाइटली ब्लैक काजल ही अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं स्टेक वर्की का ग्रीन कलर का आईलाइनर लेके इसको अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। गाइस ये आईलाइनर थोड़ा सा लाइट शो कर रहा था कैमरा में तो मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो को एज अ काजल मैंने उसको बाद में ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था ताकि वो सेम लुक दिखा सके। आफ्टर द आई मेकअप हम बढ़ते हैं आईब्रो को फिल इन करने में। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रो को ज्यादा फिल इन नहीं, एकदम लाइट फिल इन कर रही हूँ। सॉरी फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ द लाइट गाइस, प्लीज bear with it for this video. Next step आती है contouring की and यहाँ पे मैं light contouring कर रही हूँ अपने cheeks में and थोड़ा सा एकदम heavy contouring कर रही हूँ अपने nose में ताकि वो sleeky look दे सके। जैसा कि साइमन दी ने भी कहा था, उन्होंने भी अपने nose को थोड़ा sleeky look देने के लिए ज़्यादा contouring की थी। उसके बाद मैं ये फ्लैट ब्रश लेकर हाईलाइट कर रही हूँ अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को एंड कुछ कुछ जगह पे अपने हैंड से भी हाईलाइट कर रही हूँ विच आई प्रेफर मोस्ट ऑफ द टाइम। देन उन्होंने ग्रीन कलर की बिंदी लगाई थी स्टिकर वाली बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्टफ सो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लाइनर यूज़ किया हुआ है उसी से बिंदी लगा ली। फिर उन्होंने शाई स्टाइल्स का लिक्विड लाइक मेकअप स्टोरी का लिक्विड यूज़ लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया था और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का। ऑलमोस्ट 99% ये कलर मैच कर रहा था उनके कलर से तो मैं ये वाला कलर अप्लाई कर रही हूँ। Guys, here I complete my overall makeup look. So, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम है तो आपको थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा होगा ठीक है। एंड रही बात यहाँ पे उन्होंने जो चुन्नी पहनी थी या दुपट्टा जो भी पहना था वो जो कलर था वो मेरे पास डिफरेंट एग्जैक्टली नहीं था तो मेरे पास यही वाला कलर था तो मैंने यही पहन लिया एंड व्हाइट टी शर्ट मतलब व्हाइट शर्ट पहना था, क्रॉप टॉप पहना था उन्हें सो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का शर्ट पेयर कर लिया। एंड नेकलेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। एक चोकर नेकलेस ही पहना था उन्होंने एंड मैंने भी वैसा ही किया है एंड उन्होंने ग्रीन कलर की स्टिकर वाली बिंदी लगाई है, मैंने आईलाइनर से ही बिंदी अटैच कर दी है। एंड रही बात हेयर्स की तो हेयर्स में मैंने सिर्फ एक साइड बन बनाया है जो कि बरोबर नहीं बनाया अभी एट प्रेजेंट एंड मैंने यहाँ पे कुछ उस टाइप के फ्लावर्स लगा दिए हैं। उनका टोटली व्हाइट विद ग्रीन फ्लावर था बट मेरे पास ऐसा कोई फ्लावर नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला लगा लिया है। तो अब चलते हैं लाइट में एंड देखते हैं ये लुक कैसा आया है।